मेरा नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से वो भी 2.0 के बारे में। जी हाँ, चाइना में ये फिल्म रिलीज हुई और दूसरे दिन ये फिल्म लड़खड़ा गई। उम्मीद ये थी कि दूसरे दिन फिल्म कमाल करेगी, क्योंकि दूसरे दिन था सैटरडे और सैटरडे को हमेशा कोई भी फिल्मों से ज्यादा ही उम्मीद रहती है। और जहां पर सैटरडे को अगर कलेक्शन अच्छा आया तो समझ में आता है कि फिल्म बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें और आपको बता दो इसके पहले कि आप पूरी तरह इस फिल्म के ऊपर ब्लेम करें, कुछ और चीजें आपको बता देता हूँ। एक तो इस फिल्म के साथ छल कपट किया गया, पहले तो 5 और फिल्मों के साथ इसको रिलीज किया गया परसों, और उसके बाद कल के दिन यानी कि आज का जो दिन है, आज के दिन इसको 2 और फिल्मों से इसको भिड़ना पड़ा, 2 नई फिल्मों में से। उसमें से एक ऐसी फिल्म है जो नंबर 1 पे फिलहाल है और उसके पास लाख के ऊपर शोज है। वो फिल्म का नाम पहले आपको बता दूं, उसका नाम है द लीजेंड ऑफ हेई। ये जो फिल्म है द लीजेंड ऑफ हेई, ये एनिमेटेड फैंटेसी फिल्म है। और मेरे को किसी ने कमेंट किया कि सुजा भाई ये आप इस फिल्म को मजाक में ले रहे हो, ये फिल्म बहुत बढ़िया है, आप एक बार जरा गूगल मार लेना। तो मैं भी बोला चलो देखता हूँ, मेरे को उतना टाइम था तो मैं देखा, तो मुझे इतना समझ में आ गया कि इसके दोनों ट्रेलर देखा, फर्स्ट और सेकंड, 2 ट्रेलर आए थे इंग्लिश वर्जन में। कमाल की फैंटेसी ट्रेलर, ऐसा लग रहा है कि मैं देखूं, जैसे मुझे मिलेगा इंग्लिश वर्जन में फिल्म मैं जरूर देखूंगा। तो एक बहुत अच्छी फिल्म है फर्स्ट नंबर पे, तो एक बड़ा कंपटीशन आ गया पहली बात तो। सेकंड बात कही जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस अपने तीसरे हफ्ते में आई थिंक 14 कमाल का। और इसके अलावा एक और चाइनीज फिल्म रिलीज है, जिसका 44th डे है, NEZH कुछ नाम है, वो भी अच्छी खासी चल रही है, 3rd पे है। 4th पे फ्री सोलो है। फ्री सोलो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, मेरा ऐसा मानना है ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिसे महीने भर तक लोग देख सकते हैं, बहुत इंस्पायरिंग है। और फिर फिल्म है 2.0 और 2.0 नंबर पे आई है। अब चलिए बात करते हैं कलेक्शन की। फर्स्ट डे $1.37 million का कलेक्शन हुआ था, यानी कि 9.81 करोड़ का, जी हाँ याद रखिए 9.81 करोड़। दूसरे दिन हुआ था $0.61 million, यानी कि पहले दिन के कलेक्शन से लगभग आधा। 4.37 करोड़ इस फिल्म ने कलेक्शन किया। और अगर बात की जाए शोज काउंट की, तो पहले दिन था 60,677 शोज और दूसरे दिन जो है शोज के काउंट 33,210 शोज, यानी 33,210 शोज, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस फिल्म को आधे शोज करीबन करीबन मिले। और क्यों ज्यादा शोज आपको बताया, 2 नई रिलीजेज उनके पास चले गए, ठीक है। और यहाँ पर टोटल की बात करें तो टोटल है 14.40 करोड़, जी हाँ टोटल 14.40 करोड़ हो चुका है फिल्म का और $2 million के आसपास की कमाई हो चुकी है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो 14.40 करोड़ दोनों का कलेक्शन है, जो काफी कम है सेकेंड डे फिल्म को, सीधा बहुत बुरी तरह से ड्रॉप मिला। लेकिन हाँ, पूरी तरह से आप फिल्म को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि 2 नई फिल्म रिलीज हुई थी तो उससे भी इस फिल्म को टक्कर मिली है। सो एनीवन हु इज डेफिनेटली ट्राइंग टू ब्लेम दिस 2.0 की बहुत अच्छी नहीं चल रही, ये है वो है पंगा, मे बी उतनी कनेक्ट नहीं हुई हो। लेकिन उसका एक और बड़ा रीजन ये भी नहीं चलने का कि 2 नई फिल्म आज रिलीज हुई है, जिसमें से 2 बड़ी एनिमेटेड फैंटेसी फिल्म है, नॉट 2 बड़ी, एक एनिमेटेड फैंटेसी फिल्म और एक नॉर्मल फिल्म है, बट इन सब फिल्मों की वजह से बहुत ज्यादा टक्कर भी मिल रही है 2.0 को। तो आप कलेक्शन कितने खुश जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और फिर पोजिशन पे भी आना कोई मजाक बात नहीं होती है। चलिए फिर देखते हैं।